जी, अमर उजाला की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल कर अनुपक्षा का गौरव बढ़ाया है। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये जो परीक्षा उत्तीर्ण की है तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बस यही कहूंगी कि अगर कोई लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो उस तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी असफलताओं का और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। काफ़ी वक्त हमें अकेला भी रहना पड़ता है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने ग्रेजुएशन करा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में NIT दिल्ली से। इससे पहले क्या पढ़ाई की है और कहाँ से पढ़ाई की है? इससे पहले मैंने अपने अनूप शहर में ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की थी। किस कॉलेज से? JP विद्या मंदिर अनूप शहर। उस समय इंटर में आपका क्या रिजल्ट रहा? जी, इंटर में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। CBSE बोर्ड? हाँ जी, CBSE बोर्ड था, 97.2%। अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं? मेरे माता हैं डॉक्टर चंद्रावती, वो यहीं पर जो दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह कॉलेज है उसमें केमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर हैं। मेरे पिताजी इटावा में रूरल डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं। मेरे दो भाई हैं छोटे, एक 10वीं में है, इंजीनियरिंग। आपका ये PCS में कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा PCS में पहला अटेम्प्ट था। क्या इससे पहले भी आपने किसी और सिविल सर्विस की तैयारी की है? जी हाँ, इससे पहले मैंने UPSC की एग्ज़ाम की तैयारी की थी। वो कहाँ तक पहुँची आप उस समय UPSC में? UPSC में मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी और इंटरव्यू में मैं कुछ मार्क्स दे रही थी। आपकी PCS करना या UPSC की तैयारी करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, इसकी प्रेरणा मुझे अपने समाज में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देख कर लगा कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। तब मैंने अपनी जब ग्रेजुएशन खत्म करी तब तैयारी स्टार्ट की। इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? इसका श्रेय मैं अपने भगवान को, अपने माता पिताओं को, अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को, अपने अध्यापकों को, इन सभी को देना चाहूँगी। आपका आगामी लक्ष्य क्या है? आगामी अभी मैं सोच रही हूँ कि IAS की तैयारी को अपना साथ में रखूँ। अमर उजाला अब आपके TV पर भी। अपने स्मार्ट TV पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।